घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, इसलिए मैं आपको वर्चुअल टूर करा रहा हूँ। वर्चुअल टूर, आज टूर में हम लोग सुरुचि देखेंगे। सुरुचि के बारे में आपको, सुरुचि बीच लेके चला। सुरुचि बीच है, हम लोग अभी अंदर घुस गए। ये जो आप पेड़ दिख रहे हैं, सब सुरु के पेड़ दिखे ऊपर से पूरी। आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा इसकी पत्तियां कैसी होती है। और आप अभी आपको मैं खेती दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खेती की गई है। भिंडी लगा हुआ, लेडी फिंगर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे भिंडी लगाया हुआ है। फिर पम्पकिन भी मिलेगा आपको, पम्पकिन कद्दू। वो आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला जूम करके आपको दिखाता हूँ, जूम। ये जो देख रहे हैं, ये भिंडी के पेड़ है, सब ऐसे लाइन से लगाए हुए। और आप वो जो अंदर आपको दिखाता हूँ, अंदर दिखाता हूँ पम्पकिन के भी दिखाता हूँ पम्पकिन। ये हाँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये पम्पकिन है, कद्दू। ऐसे हम लोग सुरुचि बीच में एंट्री करेंगे, वहां पे भी है। धान की भी खेती की गई है, चावल की। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये धान की खेती है, चावल की खेती कहते हैं ना, चावल की खेती लगाया हुआ है। इस तरह के बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है, लेकिन ठीक है, लोग क्या देते हैं। अब देख रहे हैं बोर्ड, इस पे लिखा है कृपया इथे कचरा टाकू ने, मीन्स यहाँ पे कचरा फेंकना मना है। यहाँ पे आपको राइड भी मिलेगी, घोड़े वाले रहते हैं, ऊंट वाले भी हैं, तो आपको राइड भी देंगे। उनका जो भी चार्ज है वो चार्ज लेंगे, और आपको बीच का एक राइड भी देंगे। जो आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड है, इसमें मैच होती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बीच में एकदम गोल ग्राउंड, ठीक है। कुछ लड़के हैं यहाँ पे, कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बीच के बाहर जाते हैं। बीच पे धक्का भी बना है, वो धक्का भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको वर्चुअल टूर आपको देख के लग रहा है ना अभी ऐसा कि यहाँ आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। एक बार आके बाहर, बीच के बाहर तक आपको लेके जाऊंगा मैं, और वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे होटल भी है कुछ, एक दो सुरुचि होटल है, सुरुचि झील। ये जो आप जितने पेड़ यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो सब पेड़ जो है सुरु के पेड़ हैं। आपको जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उसकी पत्तियां कैसी होती है, बहुत बड़ा देखिए, बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा, बहुत घना, एकदम हरियाली। अब मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर जंगल में। देखिए, देख रहे कितना अच्छे से पेड़ लगाए हुए, एकदम अच्छे से लगाए हुए, बहुत सारे पेड़ हैं। कुछ लोग गंदा भी करते हैं, यहाँ पे खाते होते हैं, तो वो अपना पेपर प्लेट वगैरह कुछ फेंकते नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए सफाई होती है। उसके लिए हम लोग जैसे लोग जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, हम लोग ही कभी संडे या छुट्टी के दिन आके यहाँ पे साफ करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा, आप अपनी फैमिली पिकनिक यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको अभी थोड़ा और अंदर जाके दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है। एकदम प्यारी जगह है, आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक करने यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको बाहर, यहाँ पे बाहर स्टॉल वाले हैं जो आपको पानी पूरी, सेव पूरी और चम्मच गोला, ये सब भी आपको देंगे। अच्छा है, स्वादिष्ट भी देते हैं। वर्चुअल टूर करता हूँ, जॉगिंग करने भी लोग आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं सुरु के वृक्ष, सुरु के पेड़। इसकी मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, इसकी पत्तियां दिखाता हूँ। देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसी हैं, देख रहे हैं आपको, इस तरीके से इसकी पत्तियां हैं। और आप जैसा देख ही रहे कि मेरे पीछे एकदम, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, कितने सारे पेड़,
10,000 पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत सारे, बहुत अच्छी जगह है। आप कभी विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद और आप पूरा एंजॉय करेंगे। वहाँ पे एक चलने के लिए ऐसा सीमेंट का धक्का बनाया, वहाँ पे निकल रहा हूँ अभी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हम धक्के के पास आ गए, ठीक है, देख रहे आपको ये जो बनाया हुआ है यहाँ से पूरा, दिख रहा है ये ऐसा इस तरीके से ये बांध बना के रखा हुआ है, बहुत दूर तक बांध बना हुआ है। और ये तरफ एग्जिट है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, इसे हम बाहर निकल जाएंगे। ये एग्जिट पॉइंट है, हम एग्जिट पॉइंट की तरफ अब जाएंगे तो बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये आप सामने जो दिख रहे हैं ये पूरा अरबियन सी आपको दिख रहा है, ये समुंदर दिख रहा है आपको। फिर आप जो ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये छोटा सा, ये कोई मज़ार है, और मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि किस क्या है, लेकिन लोग बोलते हैं मज़ार है। ये जो बोट दिख रही है ये मच्छी मारने वालों की बोट है, और ऐसी देखेंगे तो ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये अरनाला आ जाएगा, अरनाला भुईगांव बीच से कनेक्टेड है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही अच्छा प्लेस है। और इसे सुरुचि क्यों सुरुचि बीच कहते हैं, सुरुचि बाग कहते हैं, और इसे सुरुचि बीच सुरुचि बाग क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे सुरु के पेड़ है, सुरु के पेड़ रहते हैं, वृक्ष है, इसकी वजह से इसका नाम सुरुचि बीच है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बहुत सारे कम से कम 10,000 पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे सुरु के, वो आपको दिखा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको आज सुरुचि दिखा रहा हूँ, सुरुचि बीच, और ये बीच का नज़ारा देखिए आप। ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ये छोटा सा, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो दिख रहा है ये हमारा भाइंदर है, भाइंदर उत्तन, भाइंदर गोराई बोलते वो है। फिर ये साइड जाएंगे हम तो ये साइड वसई किला और पाचू बंदर है। ये हम लोग बाहर निकल गए, अंदर भी यहीं से गए थे, अब देखेंगे यहाँ पे ये पानीपुरी वाले हैं, शिवपुरी वाले, और बच्चों को खेलने के लिए आपको कुछ लगाया हुआ है। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, छोटा सा ब्रिज देख रहे हैं जो लोग जा रहे हैं, छोटा सा ब्रिज जो अभी थोड़ा टूटा फूटा स्थिति में, ये ब्रिज यहाँ की जो छठ पूजा समिति है उन्होंने वो बनाती है। तो अब जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आएगा इस ब्रिज का काम शुरू होगा, और लोग वहाँ पे अब जो किनारा देख रहे हैं किनारे पे जाके छठ पूजा करते हैं। ये आप देख रहे हैं राजेश भाई को दाबेली बनाते हुए, देखिए एकदम स्वादिष्ट दाबेली बनाते हैं ये सुरुचि बीच पे। राज भाई हेलो कीजिए। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं जय दुर्गा माता पानीपुरी, बहुत स्वादिष्ट पानीपुरी बनाते हैं। इनका नाम शैलेश भाई है, शैलेश भाई हाँ हेलो करो, इसे देख के कैमरे में देख के हेलो करो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। आपको कभी भी सुरुचि बीच आए पानीपुरी खानी हो तो शैलेश भाई की पानीपुरी खाइए, आपको याद रह जाएगी। थैंक यू शैलेश भाई। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैंने आज वर्चुअल टूर करा दिया है सुरुचि बीच का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।